तो कल जितना आप लोग पढ़े प्रैक्टिकल करे नहीं करे? क्यों? कल जो भी पढ़े प्रैक्टिकल हो गया नहीं हुआ? आप लोग चुप रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं बताओगे? चलो नहीं बताओगे तो हम क्या कर सकते हैं? यही सोच लेते हैं कि आप लोग को सब कुछ आता है, आप ज्ञानी लोग हैं। क्यों? चलिए जी आगे चलते हैं। ये जो डेट टाइम कंट्रोल है ना, इसमें कुछ है लंबा चौड़ा डेट टाइम लिखा है, मुझे देख करके मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब सेलेक्ट करूं ना तब यहां पे जो है डेट टाइम आए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी? थोड़ा काम करना चाहिए इसके लिए। तो मैं पहले इस वाले डेट टाइम कंट्रोल के लिए काम कर लेता हूं। ठीक है, तो आऊंगा मैं इधर, इसका प्रॉपर्टी में आऊंगा यार मैं। ठीक है, फॉर्मेट में कर दो जी कस्टम फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, कस्टम फॉर्मेट में आप आइए और कर दीजिए एक तो स्पेस और कर दीजिए एंटर। तो क्या होगा जी, डेट टाइम कंट्रोल जो है खाली हो जाएगा। ठीक, ये देखिए खाली हो गया है ना डेट टाइम कंट्रोल। लेकिन कोई भी डेट टाइम हम सेलेक्ट करेंगे तो ये डेट टाइम जो है नहीं हो रहा है सेलेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए और इसी डेट टाइम कंट्रोल पे करना चाहिए डबल क्लिक। तो इसका बाय डिफॉल्ट एक इवेंट होता है, उस इवेंट का क्या नाम है, वैल्यू चेंज इवेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, डेट टाइम कंट्रोल खाली कैसे हुआ था, कस्टम फॉर्मेट में एक तो स्पेस दे देने से। तो हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट का स्पेस हटा करके फॉर्मेट दे देंगे। कैसे, डेट ऑफ, क्या मैं लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ डॉट कस्टम फॉर्मेट इक्वल टू डबल कोट में डी डी एम एम वाई 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 वाई, राइट, ये दे देंगे जी हम। जैसे ही हमें देंगे मैजिक हो जाएगा। ठीक, किस तरह का मैजिक हो जाएगा जी, सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट होने लगेगा। ये क्या हो गया, मजा नहीं आया। चलिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि मजा आए। तो ऐसा काम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको स्मॉल में कर देना चाहिए, बस मंथ होता है कैपिटल में। ठीक है जी, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था, ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करा, अब आ गया 27। ठीक, यहाँ पे क्लिक कर लो जी, आ गया डेट टाइम कंट्रोल। ठीक, ऐसे काम हो जाएगा जी, बदल देंगे हम यहाँ से डेट टाइम। लेकिन फिर से इस डेट टाइम को अगर आपको खाली करना है, एम्प्टी करना है, तो आवे दोबारा नहीं हो सकता एम्प्टी। करना है तो क्या करना चाहिए जी, बहुत आसान काम है, दुनिया का आसान काम यही है जी, दिखा दूं मैं करके। इस पे करिए राइट क्लिक। ठीक है, प्रॉपर्टी, इसमें किधर इवेंट है क्या, डेट टाइम फॉर्मेट में आएंगे तो बहुत सारा ही आ जाएगा। इसका एक इवेंट चाहिए यार मुझे, वो इवेंट का नाम है की डाउन इवेंट, लेकिन वो मैं लाऊंगा कैसे, देखते हैं कैसे आएगा। ये वैल्यू चेंज लिखा है ना यहाँ पे, डॉट लगा के मैं क्या कर दूंगा, की डाउन इवेंट खोजूंगा। ये देखिए की डाउन इवेंट आ गया, डबल क्लिक करता हूँ और इस इवेंट का यहाँ पे नाम बदल देता हूँ और करता हूँ की डाउन। ठीक, डी ओ डब्ल्यू एन, की डाउन इवेंट कर दिया जी। ठीक, ऐसे इस पे मैं क्या कर दूंगा जी,
इसमें मैं करूंगा ये कि इफ चेक करूंगा, ठीक, की डाउन होगा मतलब बटन का काम है, तो ये बटन आएगा इस वाले ई में, समझ रहे हैं आप लोग। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, ई डॉट, लेकिन मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट, मैं कुछ भूल रहा हूं, डॉट की कोड आ नहीं रहा है, मेरे को जनरेट ही करना पड़ेगा लगता है, तभी शायद आएगा। इसमें पैरामीटर भी कुछ बदलता है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कुछ कि क्या पैरामीटर बदलता है। कोई बात नहीं जी, इसको मैं यहाँ से गायब करता हूँ, डिक्लेरेशन में आता हूँ और एंटर। इधर वैल्यू चेंज है, कुछ आ जाए यार इवेंट वगैरह इसमें की डाउन के रिलेटेड, की प्रेस की डाउन, ठीक है। ये देखिए इसमें, ये देखिए हमारा की डाउन इवेंट जो है जनरेट हो गया। मैं भूल रहा था कि क्या होता है उसका पैरामीटर, क्या होता है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट की इवेंट ARGS, यही होता है इसका, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इफ ई डॉट की कोड, ठीक है, की कोड इक्वल टू KEY डॉट कीज डॉट बैक, ठीक, की डॉट बैक मैं कर दिया। अब जैसे ही मैं की डॉट बैक करूं, प्रेस करूं, तो कुछ मैसेज बॉक्स में आ जाना चाहिए जी, क्या आ जाना चाहिए मैसेज बॉक्स में, BACK लिख देता हूं मैं अभी, ठीक है। रन करता हूं मैं प्रोग्राम, तो ये इवेंट कब चलेगा जी, की डाउन, जब मैं कोई भी बटन इस डेट टाइम पिकर कंट्रोल के ऊपर दबाऊंगा, ठीक है। दबाया मैं बैक बटन, बैक स्पेस बटन, तो आ गया जी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब मैं क्या कोड लिखूंगा जी, हाँ, ये लिखा था, हाँ ये लिखा था, हाँ मैं लिखा, गलत लिख दिया मैं बोला सही, लेकिन यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, और जो लिखा वो मैसेज में आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जी, चलिए भाई सही कर देता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम बैक बटन दबाएंगे, माने बैक स्पेस बटन, तो यहाँ पे जो कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक। मैं इसको हटाता हूँ जी, और इसका कस्टम फॉर्मेट को फिर से क्या करूंगा, जैसे ही बैक बटन दबाए कस्टम फॉर्मेट को क्या कर दो, एक तो एम्प्टी स्पेस दे दो, ठीक, इसको कर देता हूं मैं रन, ठीक है जी। अब क्या होगा, जैसे ही हम बैक बटन दबाएंगे डेट टाइम कंट्रोल खाली हो जाएगा, ठीक। चलिए जी, तो इतना काम हमने कर लिया जी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन हमने करा है, ठीक, वैलिडेशन हमने करा है ना यहाँ पे, तो हुआ ये है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या करा है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये दो लाइन लिखा है, फिर ये दो लाइन लिखा है, फिर ये दो लाइन लिखा है। मेरा कहने का मतलब है वो ये कि हमने कुछ एक ही तरह का कोड रिपीट करा है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम कर सकते हैं ऐसा कि एक तो हम बना सकते हैं सब रूटिंग और हम काम कर सकते हैं अपना। तो सब रूटिंग में क्या बनाऊं, क्या सब रूटिंग बना लूं, वैलिडेट MSG बना दिया जी, सब रूटिंग सब, ठीक।
और इसमें पैरामीटर क्या दे देंगे, पहला पैरामीटर दे देंगे टेक्स्ट बॉक्स। अरे यार मैं बार बार इसमें पैरामीटर देने में भूल जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स एज दे करके फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा जाता है, कॉमा, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे जी, मैसेज दे देंगे एम एस जी ठीक, इसको एज strING कर देंगे ठीक। और फिर क्या करेंगे जी, हम जब वैलिडेट करते थे तो यहाँ पे यही कोड हम लिखते थे ना, ये वाला कोड, तो हम क्या करते थे जी, मैसेज बॉक्स में मैसेज दे देते थे, तो वही मैसेज हम क्या करेंगे, ये वाला मैसेज को पास कर देंगे इस मैसेज बॉक्स में, और फिर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसी टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करेंगे, फोकस कर देंगे जी। आसान हो गया काम, हो गया ना, नहीं हुआ। और इस वैलिडेट मैसेज को क्या करूंगा जी, मैं हर जगह पे पेस्ट कर दूंगा, यहां पे पेस्ट कर दूंगा जी ठीक है। और ये वाला जो मैसेज है, ये मैसेज को मैं पास कर दूंगा इसमें ठीक। और इस क्या ये कॉम्बो बॉक्स है, नहीं जी मैंने कॉम्बो बॉक्स के लिए तो मैसेज नहीं बनाया, बना तो सकते हैं ऐसा मैं कॉम्बो बॉक्स के लिए भी, पर कॉम्बो बॉक्स के लिए आप बना लीजिएगा जी, मैं नहीं बना रहा हूँ अब ठीक है ठीक है। मैंने तो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको कास्टिंग टाइप कास्टिंग वगैरह करके बना लेंगे ठीक है। ये दे दिया और इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैंने पास कर दिया यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में ठीक, ऐसे, और इसको गायब कर दूंगा मैं ऐसे। समझ में आ गया आप लोग को, मैंने ये मैसेज ये कॉल कर दिया सब रूटीन और हमारा काम बन गया जी, बन गया ना। अब ये दो लाइन हर जगह दो दो लाइन लिखना पड़ रहा था, वो अब नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों ऐसे कर देंगे जी, इस फादर नेम को यहाँ से गायब करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्यों हो जाएगा, कर देंगे ना ऐसे इस तरह से हो जाएगा। इस लास्ट नेम को कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस मैसेज को भी क्या करूँगा जी, कॉपी कर लूंगा इधर से और कर दूंगा पेस्ट ठीक है जी। क्यों सबको समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, नहीं वाह कितना अच्छा है, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ तेजस्वी लोग इधर घूम रहे हैं, कितने कितने तेजस्वी लोग हैं इधर, क्यों ये देखिए कोड छोटा हो गया ना, पहले हम दो लाइन लिखे थे अब एक एक लाइन लिख रहे हैं और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे और दो लाइन हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है ठीक। तो जरा आप लोग बताइए जी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ ठीक है, फिर से मैं लाइन रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया जी ये ठीक, सेलेक्ट कर लो जी फोटो, अगर नथिंग है मतलब इमेज सेलेक्टेड नहीं है तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, वैलिडेट मैसेज बॉक्स नाम का एक सब रूटीन बनाया, कॉल किया उसमें, क्या करें आप, ठीक है जी, पानी का व्यवस्था वो बोतल है ना जितना है सब पी जाइए। वैलिडेट नाम का सब रूटीन मैंने कॉल करा ठीक है, वैलिडेट नाम का सब रूटीन कहाँ पे मैंने बनाया था, सबसे लास्ट में आप देखिए यहाँ पे बना है ना सब रूटीन वैलिडेट मैसेज,
ये क्या मानता है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर में क्या मानता है, मैसेज मांगता है कि आप मैसेज क्या दिखाना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो मैंने इसको कॉल करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे जब कॉल करा तो ये दे दिया एफ नेम टेक्स्ट बॉक्स। एफ नेम क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है जी, ये देख लीजिए, ये है ना टेक्स्ट बॉक्स। इसका नाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एफ नेम है, राइट। चलिए जी आगे देखते हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने पास कर दिया। फिर उसके बाद इंटर एफ नेम का मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक। इंटर एफ नेम में मैसेज दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, सबसे आखिरी में, राइट। यहाँ पे चला आया मैसेज, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा ना, नहीं आएगा, पक्का आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन है। चलिए जी, मैसेज बॉक्स में मैं मैसेज को सीधा दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट करा दे रहा हूँ। मैसेज बॉक्स क्या करता है, मैसेज ही दिखाता है ना, मैसेज दिखा देगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो कुछ मैसेज का स्टाइल भी दे दें, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इसका टाइटल भी चाहें तो आप दे सकते हैं, वैलिडेट मैसेज, वैलिडेट, ठीक है। मैं वैलिडेट खाली दे रहा हूँ टाइटल। तो ये मैसेज बॉक्स का यहाँ पे आ जाएगा मैसेज, यहाँ पे मैसेज में क्या क्या आइटम दिखाएगा इन्फॉर्मेशन का वो आ जाएगा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स का टाइटल सेट हो जाएगा, ठीक। ए लाइन क्लियर है ना आपको, नहीं है क्लियर, क्लियर है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स डॉट मैंने फोकस करा है, तो फोकस किसका फंक्शन मेथड है जी, टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स के बाद डॉट फोकस लगाते हैं तो क्या आता है, मैसेज बॉक्स पे फोकस चला जाता है ना, फोकस ही करता है ना, बस वही काम हमने करा है, ठीक है जी। ये देखिए वही काम तो यहाँ पे हो रहा है जी, ठीक है, यहाँ पे सब जगह मैंने वही काम करा है जी। व्हाइट स्पेस को मैं अगर गायब कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोग को समझ में आ गया, क्यों नहीं समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप लोग तो पूछ लो जी। नीचे वाला गेट, हाँ क्या रिसेप्शन सेंटर, अच्छा तुरंत सर चल रहा हूँ मैं, कहाँ मैं था, अच्छा ये वैलिडेट वगैरह का बता रहा था ना। तो इतना मैं किसी को कोई क्लियर तो हो, दिक्कत नहीं होगा जी किसी को, समझ में आ गया सबको, नहीं आया कौन सा लाइन नहीं समझ में आया आप बताइए तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, या कुछ भी नहीं समझ में आया, क्यों बताओ, बताओगे सारा मैंने क्या करा है, ये सब रूटीन मैंने कॉल करा, राइट। एक कॉल किया तो कहाँ गया जी, यहाँ पे आया, आ गया यहाँ पे। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स पास करा है ना कॉलिंग के समय, और कुछ मैसेज भी दिया है, सॉरी लाइट कट गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, वेट कर लेते हैं थोड़ा, दो चार पाँच मिनट।